बैक स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो होने वाली है मेडिकल से रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेडिकल हमें कैसे करवाना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, चाहे तुम पैरामेडिकल से हो या फिर सीईटी में किसी भी यहाँ पर तुम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, सबके लिए ही ऐसा सेम प्रोसीजर जो है होता है। तो जब तुम यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा अच्छे से हो जाता है, सब कुछ गो थ्रू अच्छे से होता है, तो उसके बाद जो है तुम्हें मेडिकल सबमिट करवाना पड़ता है। एंड मेडिकल सबमिट करवाने के बाद जो है तुम्हें पर्टिकुलर कोर्स के जो भी तुम्हें अलॉट हुआ है, जो पर्टिकुलर कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है तुम्हें पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। एंड जो तुम लोग जो है सभी के सभी जो पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करते हो, एंड जो है तुम्हारा 100% एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो सभी बातों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द पॉइंट कि मेडिकल के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो इस वीडियो में मेडिकल के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। मेडिकल भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो तुम्हें है एक पर्टिकुलर डेट असाइन की जाएगी आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस पर्टिकुलर डेट में ही तुम्हें मेडिकल जो है सबमिट करवाना पड़ता है। एंड मेडिकल में क्या रहता है वो कंप्लीट मैं तुम्हें इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। तो ये जो मेडिकल होगा मैं तुम्हें बता दूँ कैसे करना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने के बाद जो है ये जो मेडिकल यहाँ पर होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। एज लाइक सेम किसी भी जॉब के लिए तुम करते हो तो सबके लिए मेडिकल नेसेसरी होता है, तो ऐसे ही इसके लिए भी मेडिकल यहाँ पर जो है कंडक्ट करवाया जाता है। तो मेडिकल के लिए जो है क्या करना होता है मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो मेडिकल जो होगा हॉस्पिटल से यहाँ पर बनता है, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस पर साइन करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर जो है मेडिकल करवाने के लिए जो है कॉलेज वाले भी करवा सकते हो, तुम इंडिविजुअली भी मेडिकल को जो है करवा सकते हो। और मेडिकल में क्या रहता है, मेडिकल में जो है 14-15 वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे हर किसी यहाँ पर सिस्टम से अकॉर्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। सब कुछ तुम्हारा चेक किया जाएगा कि दैट यू आर सुटेबल फॉर टेकिंग एडमिशन और नॉट, ठीक है, तुम सुटेबल हो या नहीं हो, तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। वैसे जो है इन चीज़ों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है मेडिकल में, जस्ट जो है तुम्हें अपना एक नॉर्मल जो मेडिकल स्टेटस होता है उसके लिए यहाँ पर मेडिकल मांगा जाता है कि तुम्हारा अभी प्रेजेंट में मेडिकल स्टेटस क्या चल रहा है, तुम्हें हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन कितने ग्राम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये जो है ये चीजें जो है प्रेजेंट स्टेटस को देखने के लिए जो है मेडिकल करवाया जाता है। इवन जब तुम्हारा पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी तुम्हें वेरियस वेरियस स्टेज पे लाए, जब तुम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर हो गए एंड उसके साथ साथ बीच में भी कई बार जो है तुम्हारा सब कुछ हाइट वेट वगैरह जो है मेजर करते रहते हैं वो लोग, ताकि जो है तुम्हें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए बीच में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक रिपोर्ट से प्रिपेयर की जाएगी पर्टिकुलर स्टूडेंट की, कि जब एडमिशन हुआ तो ये कंडीशंस थी, देन यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, तो पर्टिकुलर यहाँ पर क्राइटेरिया रखा जाएगा पर ईयरली वाइज तुम्हारा रिकॉर्ड वहाँ पर कॉलेज में सबमिट किया जाएगा। टिल द यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो तब तक, यहाँ से आउट हो गए तब तक के लिए जो है कंप्लीट वो लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसके लिए भी मेडिकल नेसेसरी होता है, एंड ऑल्सो वैसे भी मेडिकल नेसेसरी होता है। तो मेडिकल जो है तुम्हें यहाँ पर जो है कॉलेज के साइड से भी तुम्हें 2 या 3 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जाता है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में तुम खुद से भी मेडिकल बनवा सकते हो। और कॉलेज जो जहाँ पर बनवा के दे रहा है, जहाँ को तुम्हें लेके जा रहा है जहाँ पर बनवाने के लिए, वहाँ से भी तुम बनवा सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि तुम यहाँ पर किस में सुटेबल, तुम्हारी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है तुम्हें बनवा लेना है। बाकी मैं यही बोलूँगी जहाँ पर जो है कॉलेज वाले बनवा रहे हैं उसके साथ तुम बनवा लेते हो तो उसमें कोई हेडेक नहीं है, बाकी अलग से भी तुम बनवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है कि तुम्हारे जो है कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, लाइक हीमोग्लोबिन वगैरह, आई टेस्टिंग यहाँ पर होगी तुमसे, जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट को स्पेक्स हैं तो स्पेक्स के टाइम पर जैसे आई टेस्टिंग होती थी, वो वर्ड्स वहाँ पर तुमसे रीड करवाए जाते थे, ऐसे ही सेम जो है आई टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। एंड जैसे ही सारी कंडीशन नॉर्मल होंगी, गो थ्रू होंगी, तो जो है तुम्हें एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन जो है किस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा, मेडिकल में बहुत कम लोग रिजेक्ट होते हैं, मेडिकल में कोई भी स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं होता है, मेडिकल जस्ट एक फॉर्मेलिटी है तुम्हारा प्रेजेंट स्टेटस को चेक करने के लिए, ठीक है, कि प्रेजेंट में तुम्हारा हीमोग्लोबिन, यूरिन कितना है, यहाँ पर कंसनट्रेशन क्या चल रही है, उन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पर चेकआउट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें कोई सीरियस कंडीशन है, लाइक तुम्हें कैंसर वगैरह है या फिर कोई सीरियस डिजीज़
कंडीशन है उसी कंडीशन में ही तुम्हें जो है एडमिशन नहीं दिया जाता है, बाकी जो है एडमिशन दे देते हैं। एंड तुम्हें कितने भी नंबर का स्पेक्स लगाओ तुम्हें 100% एडमिशन मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट तुम्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस हो जैप से भी हो वो तुम्हें कंप्लीट फिल कर लेना होगा, जितने भी वहाँ पर कॉलम्स होंगे मेडिकल की रिगार्डिंग वो सब कुछ तुम्हें जो है फिल करके ला लेना है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स के साइन होंगे वो कंप्लीट से फिल होने चाहिए, मतलब वो साइन वगैरह होने चाहिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक जो है तुम्हें वो मेडिकल जो है सबमिट करवाना पड़ता है। एंड मेडिकल सबमिट करवाने के बाद सब कुछ यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट मेडिकल की रिगार्डिंग। अगर तुम्हें कोई डाउट है मेडिकल की रिगार्डिंग तो अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो नेक्स्ट जो अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।